अजगर नाम है मेरा। मैं डरता नहीं, निकल जाता। मैंने हमेशा इनसे कहा भी, तुम मुझे सुनील दत्त जैसे लगते हो कि फिल्मों में काम करो यार। तुम तो चाहता तो हूँ करना, लेकिन ऐसा होना नौकरी से भी जाऊँ और फिल्मों में काम ना मिले। तो मैंने कहा प्रेम कोई ना कोई ऐसी चीज पैदा करते हैं यार, जो बार बार रिपीट हो और लोगों को सुनने में मजा आए। तो निकाला इन्होंने एक पंच कि मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। तुम तो जानते हो मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। उल्लू से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपना हौसला कभी नहीं बनाता, बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसले पर अपना कब्जा कर लेता है। अजगर नाम है मेरा। मैं डरता नहीं, निकल जाता। जैसे जैसे शो हिस्से बढ़ते चले जाते हैं और एक ऑलमोस्ट अनअपेरेंट, लेकिन जो मैं महसूस कर सकता हूँ, एक वॉर्म्थ है जो प्रेम चोपड़ा साहब में है, जो हम जो इंडस्ट्री में हैं वो जानते हैं कि हर तरफ से जो है ये रिएक्शन प्रेम साहब के मुतल्लिक आता है कि भाई इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड नाइस पर्सन। और एक बहुत मारूफ शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रेम साहब को जानती है, जो इनकी बड़ी दोस्त शख्सियत है, मैं उनको कहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। प्लीज़ जनाब आएँ, तशरीफ़ लाएँ। सावन कुमार टाक साहब जो हैं किसी तारुफ के कतन मोहताज नहीं हैं, बहुत मशहूर मारूफ फिल्म मेकर हैं, लगते बिल्कुल हीरो टाइप हैं, लेकिन बनाते हैं, राइटर हैं, सब कुछ हैं। एंड मोरओवर आई एम द यंगेस्ट फ्रेंड ऑफ मिस्टर प्रेम चोपड़ा। दैट्स वेरी गुड, आई विल नॉट डिबेट अबाउट इट नाउ। आल्सो दैट्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आल्सो वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग फ्रेंड्स दैट यू हैव। देख लीजिए दैट ही इज नो लेस गुड। सर आपकी और इनकी दोस्ती जो है, आप तो खैर यंगेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन दोस्ती कब की है? उस वक्त मैं भी इन जैसे यंग था, तो आप बता दीजिए। उस वक्त की बात है जब हम दोस्त थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम गेलॉर्ड पे मिला करते, जितने भी स्ट्रगलर्स थे वो वहाँ गेलॉर्ड एक रेस्टोरेंट है चर्च गेट पे, सब वहाँ मिला करते थे, हम भी मिलते थे। ये उस वक्त मुझे कुछ हमेशा ऐसा लगता था सुनील दत्त से बड़ी शक्ल मिलती है इनकी। तो मैंने हमेशा इनसे कहा भी, तुम मुझे सुनील दत्त जैसे लगते हो कि फिल्मों में काम करो यार। तुम कहता चाहता तो हूँ करना, लेकिन ऐसा होना नौकरी से भी जाऊँ और फिल्मों में काम ना मिले। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले कॉन्फिडेंस पैदा करो एंड यू जॉइन फिल्म्स एंड यू विल सक्सीड। एंड खैर वो मैं खुद को अपने आप को भी कॉन्फिडेंस ऐसे देता था। खैर भी तुमने कहा था कॉन्फिडेंस के ऊपर उस वक्त, क्या था वो? बंदा परवर मैं वो बंदा हूँ कि बहरे बंदगी, बंदा परवर मैं वो बंदा हूँ कि बहरे बंदगी, जिसके आगे सर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत अच्छे शायर हैं और इनका तखल्लुस भी है प्रेम आवारगी, इस नाम से शेर लिखते हैं। अरे भाई ये तो मतलब क्या सर, आप तो राजा का एक बड़ा बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। छुपी हुई बातें जो निकल रही हैं। आप जरा कोई शेर अपना आवारगी साहब, एक शेर सर सर हो जाए सर ऐसा तो। अरे भाई सर सर एक शेर की फरमाइश होनी चाहिए सर सर, अब तो सर सुनो। अरे भाई आप ही लोगों जो अपना मजा आ रहा है सर, ब्यूटीफुल ऑडियंस रिएक्शन इतना खूबसूरत देते हैं आप, मैं यही कहूँगा कि उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, उम्र के फूल सूखेंगे बिखर जाएंगे, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे। वाह वाह वाह, कौन जाने इन हवाओं में किधर जाएंगे, पर तसव्वुरात की तन्हाइयों में महकेंगे चंद लम्हात, जो आज फारूक शेख और आप जैसी खूबसूरत ऑडियंस के साथ गुजर जाएंगे। थैंक यू। इनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा है सावन साहब? सर मुझे लगता ही नहीं था कि ये कोई एक्टिंग कर रहे हैं या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ करने में। आई वॉज ऑलवेज कम्फर्टेबल। तो लोग मुझसे पूछते हैं आपका क्या तजुर्बा है प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में, तो मुझे कोई तजुर्बा हुआ ही नहीं। हुआ यह कि फिल्म हिट हुई, मेरी पहली पिक्चर इन्होंने सौतनी की थी, और हालांकि हम बहुत पुराने फ्रेंड्स थे, मैं बड़ी सेंटिमेंटल फिल्में बनाता था, इतना बड़ा विलन कैसे डालूँ स्टोरी में मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन इस फिल्म में एक चाहिए था मुझे इस तरह का करेक्टर। तो मैं डरते डरते प्रेम के पास गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है,
तो हो सकता है इसके दिल में ऐसा हो कि शायद कभी मुझे सावन कहे और मैं हाँ कहूँ स्ट्रेट वे वॉट एवर द रोल इज, तो वो मौका नहीं आता। उस दिन जब मैं मिला उसने कहा डन, करते करते मुझे लगा कि ये करेक्टर विलन है लेकिन इज ए ही मेक्स यू लाफ। तो मैंने कहा प्रेम कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा करते हैं यार जो बार बार रिपीट हो और लोगों को सुनने में मज़ा आए। तो सब वो इनका दिमाग भी कोई अजगर से कम नहीं, जैसा कि जी जी। तो निकाला इन्होंने एक पंच कि मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। जो इनके बहुत मशहूर डायलॉग, बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ वो, यानी कि काफी फिल्म याद है वो प्रीमियर पे गए थे हम, मुझे बुलाया गया तो मैंने सिर्फ मैं वो बला हूँ, बाकी सब ऑडियंस बोल शीशे से पत्थर। एग्जैक्टली, इतना कामयाब। कई दफा क्या होते हैं सर्टन वन लाइनर्स सर्टन थिंग्स लोगों को बहुत दिलचस्प लगती, तो वो उस वजह से उसको पकड़ लेते हैं। जैसे आपने पहले बोला प्रेम नाम है मेरा, प्रेम जी सर, सर वो मैंने नहीं पकड़ा सर, वो ऑडियंस ने मुझे पकड़ लिया कि जब प्रेम साहब को बुलाएंगे सब बुलवाइएगा। नहीं नहीं, तो मुझे अपनी गर्दन प्यारी है ना। सूरत से मासूम, शक्ल से मासूम, अदा से मासूम, और जो कुछ करते हैं खुद करते हैं, सहारा ऑडियंस का ले लेते दिए दीजिए सर। सर सर मैं बेचारा बेगुनाह जाए खामखा मारा था सर। सावन कुमार जी तजर्बा किए सर। मैं एक और साहब को बुलाता हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो बहुत दिलचस्प बातें आपके बारे में जानते हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। हेलो राडा, हाउ आर यू सर? क्या क्या आपने फरमाया राडा? राडा वो क्या होता है सर? वो इनसे ही पूछिए। वो राडा क्या है साहब कि इनकी फिल्मों में मैंने काम किया, बेहतरीन रोल उन्होंने मुझे दिए और कई फिल्मों में काम, बहुत बहुत 6-7 पिक्चर में हमने इकट्ठे काम किया, और एक फिल्म जो थी जिसमें एक स्टार स्टेटस भी मुझे मिला, वो फिल्म इन्हीं की थी, वो थी पिक्चर का नाम था काटी पतंग। जी बहुत मकबूल फिल्म। तो हम आउटडोर में शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म की, तो बहुत से लोग शूटिंग देखने के लिए खड़े थे। नहीं ये थोड़ा भूल गया। हाँ नहीं नहीं जब ये पहले भूले नहीं होंगे सर, जानबूझ के बता नहीं रहे होंगे सर। राडा का राज नहीं, मैं वही उससे आ रहा था। अच्छा उसी देर में आ रहा है, उसमें उसको शुरू में आना चाहिए था। अच्छा नहीं बोला इसने बोला कि वहाँ पर शॉट देने के बाद लोगों ने कहा कि तालियां मारनी शुरू कर दी, तो इन्होंने शक्ति दाने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर चोपड़ा, ही इज फ्रॉम राडा। लोगों राडा क्या होता है साहब? कहते आपने सुना रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंडन? कहते हाँ वो सुना, कई लोगों ने कहा। तो ये हैं रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड पंजाब चंडीगढ़। तो बड़ा दिलचस्प वाक्य रहा। लेकिन ये शक्ति साहब आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये हैं वो है रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यूके और ये हैं यूपी? आपस में ये ने क्या है कि ये गपियां चलती रहती थी। तो मैंने पूछा यार तुम कभी कहीं तुमने कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली है? तो उस वक्त इन्होंने कह दिया कि मैं राडा से ट्रेनिंग लिया। मैंने राडा से कैसे, राडा किधर है यार, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तभी उन्होंने बोला रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स चंडीगढ़। तो उस वक्त से मैंने कहा उस वक्त से राडा चल पड़ा, हम इसको राडा बोलते हैं, प्रेम राडा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ प्रेम साहब कहेंगे, प्रेम साहब ये कहेंगे शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। जिस कलाकार की इतनी लंबी इनिंग्स रही हो फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अगर बिल्कुल हकीकी बातें जाननी हो, बिल्कुल अंदर की बातें जाननी हो और सच्ची बातें जाननी हो, तो उन लोगों से बातें करनी चाहिए जिनके साथ इनका खूब रबता रहा है, साबका रहा है, जिनके साथ खूब काम किया इन्होंने। एक ऐसे साहब हैं जो खुद बहुत मशहूर फिल्म मेकर हैं, इनके एडमायरर भी हैं, और इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रेम जैसे अच्छे आदमी के आप दोस्त बने, उसके करीब आएं, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं उसकी पर्सनालिटी का। वो ये है कि उनको ये यकीन भी है, कन्विक्शन भी है कि 20th century के वो बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, प्रेम अवारगी के नाम से। दूसरा ये है कि पिछले 40 साल से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। प्रेम चोपड़ा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट, वेरी डेडिकेटेड एक्टर, वेरी मैन विद लॉट ऑफ टॉलरेंस, वन मूड पर्सन,
इज वेरी वेरी पंक्चुअल, इज वेरी इनोवेटिव. प्रेम, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. लेकिन प्रेम, इन बिटवीन यू एंड मी, वट एवर यू ट्यूटेड मी, आई हैव स्पोकन अबाउट यू. तो भैया वो मेरा छोटा सा चेक जरा जरूर भिजवा देना, और अगर चेक की तकलीफ हो तो मैंने इस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया है, कैश भी चलेगा. बाय बाय, ऑल द बेस्ट. सर, ये इन्होंने एक बात कही जो बिल्कुल सही भी कही, और जो जिससे एक बात ये भी निकलती है कि यू आर अ वेरी इनोवेटिव एक्टर. मसलन ये कि कभी आपका गेटअप जो है किसी दूसरी फिल्म से मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा, आपके बोलने का अंदाज़ जो है अक्सर किसी दूसरी फिल्म से मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा. कोई एक मुहावरा आप ऐसा चुन लेते हैं, जैसे सावन कुमार टाक साहब ने कहा, या कोई एक लाइन आप ऐसी पकड़ लेते हैं जिसमें एक डिफरेंस पैदा होता चला जाए, तो ये आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है या राइटर खुद लिख के लाता है कि प्रेम साहब के लिए रोल लिखना है तो चलिए ये डाल दीजिए, या गेटअप के बारे में आप खुद सोचते हैं, कैसे होता है? मिली जुली मेहनत होती है, उसमें राइटर भी शामिल होता है, डायरेक्टर भी शामिल होता है, और एक्टर भी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. पर डिसीजन जो होता है अल्टीमेटली वो डायरेक्टर का होता है. तो अगर तो वो पसंद, उसको पसंद आया तो कहते बोल के बताओ भाई, अगर देखते हैं तो वो अगर उसको पसंद आ जाए तो फिर यस हो जाता है. तो सावन कुमार टाक के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मलेशिया से में हमने कहा तो हमने ये इकट्ठा मिलके बनाया था ये, तो जब बोला उसको तो बड़ा पसंद आया, कहते यार अब इसको हर तरह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जोड़ते जाओ बस. तो गुस्से में भी बोला, कनिंगली भी बोला, हंस के भी बोला, बस आप देखा होगा आपने. जी जी, तो ये सब एक जॉइंट एफर्ट होती. एंड फिर उसको जो है जिस तरह आपने कहा आप अपने रोल में उसको ढालते चले जाते हैं. जी. एंड इज दैट, डू यू थिंक इस वजह से जो है आपकी करियर की लॉन्जिविटी रही है? लोग मुझे बर्दाश्त करते आ रहे हैं शायद इसी वजह से, कि उनको लगता है कि यार शायद ये एक्टर जब पर्दे समी पे आएगा तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ आएगी. लेकिन जितना, और वो जितना इम्पैक्ट विलन का होना चाहिए नेगेटिव करेक्टर का, वो भी रहेगा, और साथ में कभी कॉमेडी तरीके से या सैडिज्म तरीके से मैसेक्विस्ट बन जाना या सैडिस्टिक हो जाना या उसी को एक बफूनरी तरीके से इन लिमिट्स करना, तो एक कैरेक्टर जरा समझ में आता है लोगों के, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मज़ा आता है. तो वैसे आपने बड़ी मॉडेस्टी और इनकिसारी से काम लिया कि लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं. लोग दरअसल प्रेम से बड़ा प्रेम करते हैं. एक और साहब हैं, प्रेम से बड़ा प्रेम करते हैं, प्रेम है. आइए मिस्टर प्रेम. प्रेम नाम है मेरा. प्रेम 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 किशन. तो अलावा इसके कि आप करीबी रिश्तेदार भी हैं, आपका ताल्लुक प्रेम चोपड़ा साहब से, मतलब प्रेम एज टू प्रेम, कैसा रहा है, कब से रहा है? इनके बारे में हुजूर मैं आपके मैं ये कहूँगा कि इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा. हुजूर हुजूर इरशाद. मैंने और इन्होंने काफ़ी फिल्में ज़्यादा नहीं की, लेकिन इन्होंने पापा के साथ काफ़ी फिल्में की. जी, प्रेमनाथ साहब के. प्रेमनाथ साहब के साथ शूटिंग के दौरान उनको कहीं पता चल गया कि पापा जब काम करते थे वो इतने मूड में आ जाते थे कि कभी कभी फाइट सीन में गुस्सा यू नो लग जाती थी. तो इनको कहीं पता चल गया कि दैट पापा के साथ काम करना है, और अब मैं इनके साथ कैसे काम करूँ. तो अब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, ये जाते हैं पापा के पास और बोलते हैं, प्रेम जी मैं आपके साथ काम तो कर रहा हूँ, मेरा जो भी है वो है, लेकिन मुझे वापस घर जाना है आपकी बहन के पास, तो प्लीज मेरा ध्यान रखिए कि उमा 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 को कुछ नहीं हो. तो इनका जो पापा खूब हंसे और उन्होंने कहा कि भाई अरे आजा आजा, डोंट वरी डोंट वरी, कुछ होगा कुछ नहीं होगा. मतलब वो इतने इन्वॉल्व होते थे काम के अंदर, काम करने के वक्त बल्कि दूसरे परिंदों के घोंसले पर अपना कब्जा कर लेता है. हाँ.
दिस मैन इज रियली समथिंग. आप अपनी किस्म के एक अनूठे इंसान हैं. वो एक मेरे ख्याल में सही कहा आपने सर. सर बिल्कुल बिल्कुल, और इसको मैं 100 बार कहने के लिए तैयार हूँ. सर आपके मतलब कलीग्स और साथ में काम करने वाले सीनियर्स वगैरह 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 बहुत सी अच्छी बातें आपके बारे में कहते हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब अंदर की बात वही लोग जानते हैं जो बिल्कुल आपके घर के होते हैं. वो आपके बारे में अगर कोई अच्छी बातें कहें तो सर फिर मानने वाली बात होगी. तो मैं ये क्लिप दिखाने की रिस्क लेता हूँ कि आपके बहुत करीब हैं. अब वो जो कहेंगे वो जाने, उसका जो अंजाम होगा वो आप जाने. सर सर प्लीज़ यहाँ देखिए. ओके दैट व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई थिंक इट्स फॉर योर सिंपलिसिटी एंड ऑल द वैल्यूज दैट यू स्टैंड फॉर दैट यू हैव 3 वंडरफुल डॉटर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ व्हिच ऑल योर 3 सन इन लॉज एंजॉयिंग. सो थैंक यू. I love you, Mama. We'd like to dedicate a song to Dad, which is one of my favorite songs, and it's from one of his favorite films, a film he's acted in, and I think it's one of his most amazing performances as Sukhdev. The name of the movie is Shaheed, and the song goes something like this. ae vatan, humko teri kasam, teri raahon mein jaan tak lutaye jayenge. ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे. भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे. ए वतन हाय पापा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड One of my most fondest memories is the way you and I both solved at my wedding. And when I see you and Sanji play together, it really warms my heart and takes me back to my own childhood. I love you a lot. Hi, Dad. Hi, Dad. I've had some great memories with you. You were always there, father, for us. And I remember specifically this motto that you've always lived your life by. That is the 4 Ds. That is devotion, dedication, discipline, and desire to be the best. And you went by that motto not only in your professional life, but also in your personal life. Thanks, Dad, and love you loads. I think he's a great friend, and whenever I meet him, I can chat with him for hours because he's so much like, he can just adjust to anybody, and he's such a loving person. सर 4 D तो आपकी साहबजादी ने कहे थे जो आपने वो कह रही थी आपने बतलाया उनको. 1 D हम भी याद करते हैं, बट डेडली है डी, ये बहुत डेडली है मिस्टर प्रेम चोपड़ा साहब. सर एक और शख्सियत है जो वहाँ से नहीं बल्कि रूबरू आपसे कुछ कहना चाहती हैं और आपके बहुत करीब भी हैं, तो मैं उनको बुला दूँ सर, फिर आप जाने और वो जाने. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. प्लीज़ आइए. आइए अंजला जी. सर मेरा ख्याल है आप इनका तारुफ कर रहे हैं तो ये मुनासिब रहेगा. ये मेरी इकलौती बहन है 5 भाइयों की जी, और ये बहन नहीं बल्कि हमारी बेटी है जिसको ये हमें अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बेटी का रुतबा इसको दिया जाता है. सबसे छोटी हैं लेकिन ग्रैंड मदर हैं. तो आप अपने पोते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी दैट ही इज़ अ वंडरफुल ब्रदर. बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है. इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ब्रिंग अप करा है, और एंड ही इज़ वेरी पर्टिकुलर और स्पेशली अबाउट मी कि व्हाट आई वेयर, क्या डालना है, कैसे बैठना है, कैसे करना है, इस तरह से. बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम जी. तो मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक अ पेरेंट जो है आपका ख्याल रखा है. थैंक यू, प्लीज वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग. प्रेम साहब मतलब वक्त की अपनी एक मजबूरी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. और दिल भारी हो रहता है लेकिन क्या करें. तो लेकिन जाते जाते जो है आवारगी साहब को हम यूं तो बख्शेंगे नहीं. ये राज जो आपके दोस्तों ने यहाँ फाश किया है, अब इसका कुछ जुर्माना तो आपको देना होगा सर.
तो कोई एक चीज जो आपके पसंद की हो प्लीज सुनाते जाइए। प्यार से जीतो सबका दिल, इसका दिल और उसका दिल। प्यार से जीतो सबका दिल। हर धड़कन की मंजिल क्या है, सच पूछो तो दिल ही दिल। ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्ना सा प्यारा सा दिल, हमने उसको नाम दिया है हिंदू का दिल, मुसलमान का दिल, सिख का दिल, ईसाई का दिल। वाह 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 वाह। ऊपर वाले दाता ने तो सबको दिया है एक नन्ना सा प्यारा सा दिल, हमने उसको नाम दिया है हिंदू का दिल, मुस्लिम का दिल, सिख का दिल, ईसाई का दिल। ठेस लगे तो तड़पे का ये, तेरा हो या मेरा दिल, दिल की बातें दिल ही जाने, आखिर को तो दिल है दिल। वाह वाह।